आज हम आपको ले चलते हैं एक नया कैंप में, ठीक है। ये थोड़ा सा लेबर कैंप है, आप देख रहे हैं तो बाथरूम वाथरूम है, ठीक है। और आगे चलते हैं, दोनों साइड में रूम है और ये रेक है चप्पल जूता रखने के लिए। और विदेश में आदमी कैसे काम करते हैं और कैसे रहते हैं उनको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नीचे टाइल्स सब लगा हुआ है लेकिन वो उतना बढ़िया ये कैंप नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लोकल टाइप का ये कंपनी का कैंप है। यानी छोटा मोटा कंपनी तो अच्छा कंपनी अच्छा कैंप रखती है। अब देख रहे हैं, विदेश में कमाना इतना आसान नहीं है। अब देख रहे हैं अंदर ही कैसा रूम है, ठीक है, और कैसे आदमी रहता है। अभी तो रूम में आदमी नहीं है फ़िलहाल, रूम आपको खुल कर दिखाएँगे। और फिलहाल ये गैलरी है, आप देख सकते हैं। और रूम को चाबी मंगा रहे हैं हम खोलने के लिए, शायद खुला है कि नहीं खुला है, देखते हैं, ठीक है। ये खुला हुआ है, अब देख रहे हैं तो बेड लगा हुआ है, बर्तन भी इधर रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ है, नीचे पर्स है तो इसलिए बुरा रखे हुए हैं कि थोड़ा ठंडा ना पड़े। ये रूम है और पूरा 8 इसमें बेड है, लगभग 6 आदमी रहते हैं, ए सी वैसी सब लगा हुआ है। लेकिन ऐसा ही आदमी रहता है, लेबर आदमी क्या करेंगे, हम विदेश कमाने का मजबूरी है। और देख रहे हैं सीढ़ी नीचे जा रही है और नीचे किचन भी है, ठीक है, वो किचन आपको दिखाएंगे। हैंगर लगा हुआ है कपड़ा सुखाने उखाने के लिए। तो लोग जो सोचते हैं कि विदेश में बहुत आसान है पैसा कमाने का, इतना आसान नहीं है भाइयों। थोड़ा देखिए दूर है किचन उधर, ठीक है, 12 घंटा ड्यूटी करके आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर नेक्स्ट टाइम जाना पड़ेगा, यही है।